दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब ये हेल्दी, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल और शाइनी स्किन किसको नहीं पसंद, तो आइए जानते हैं इस नुस्खे को जिसको लगाकर आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ये एलोवेरा जेल, क्योंकि ये गोल्ड जेल है इसीलिए हम इसमें ये वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको भी ये जेल इस्तेमाल करना है तो आपको ये आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें मैं ये वाला जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें आएगी वो है ये गुलाब जेल। आप इसमें गुलाब जेल की जगह गुलाबरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुलाबरी नहीं मिले तो गुलाब जेल का इस्तेमाल भी चलेगा। तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ग्लिसरीन। चौथी चीज़ जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है ये विटामिन ई का कैप्सूल। आप देख सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है, इवियन 600। अब सबसे पहले एक खाली बाउल में हम निकालेंगे एलोवेरा जेल। अब इसमें डालनी है हमें ये गुलाबरी। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच ग्लिसरीन का। विटामिन ई के दो कैप्सूल इसमें आपको खाली करने हैं। दोस्तों इसमें जो मैंने चारों चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप स्टोर ना कर सकते हो। तो आपको इस मिक्सचर को तैयार करना है। इस तरह से इसे मिला लीजिए। आपको इसका इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपकी स्किन ब्यूटीफुल, ग्लोइंग और शाइनी बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसे दिन में यानी कि सुबह नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी बार आप इसे रात में सोने से पहले कर सकते हैं। इसे अपने चेहरे पर लगाइए और 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद इसे ऐसे ही लगे रहने दीजिए। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसे आप 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे किसी छोटी कटोरी में या फिर किसी छोटी शीशी में रख कर आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है और इससे चेहरा ग्लो करने लग जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके मुझे भी बताइए कि आपका चेहरा ग्लो कर रहा है या नहीं।